महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुंब्रा के एमएवली स्थित अब्दुल कलाम स्टेडियम में मुंब्रा इंडियंस प्रीमियर लीग का जो है आयोजन किया गया है। दरअसल ये आयोजन जो है अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन के तरफ से किया गया। आपको बता दें कि पहले ये जो क्रिकेट मैच था ये मिट्टल ग्राउंड पे हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर ये स्टेडियम में ये खेल खेला जा रहा है। दरअसल जो अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष है रीदा रशीद, उनके तरफ से इस मैच का आयोजन किया गया था और आज दो दिन का ये मैच है। इसमें जो है टोटल जो है 16 टीमें, आप देखेंगे कि 16 टीम इसमें जो है भाग लिए हैं और दो दिन जो है ये मैच खेला जाएगा। आज मैच का पहला दिन जो है और इसकी खेल की जो शुरुआत भी हो चुकी है। बाला साहब एनसी शिवसेना के नेता जो है अनवर कच्छी वो भी यहाँ पर आए थे और सिकंदर खान यहाँ पर पहुंचे थे और अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष जो रिजा रशीद है उनकी बेटी अर्शिया वो भी यहाँ पर पहुंची थी और खेल का जो है आगाज यहाँ पर हो गया है। लेकिन जिस तरह से बच्चों के खेलने के लिए मैदान का एक मुद्दा जो है मुंब्रा शहर में काफी चल रहा है, उसके मुद्दे से भी जो है इन सभी लोगों ने बातचीत की है और जो ये खेल का आयोजन किया गया है इस ताल्लुक से भी हमने अनवर कच्छी, सिकंदर खान और अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन की जो अध्यक्ष है रिजा रशीद उनकी बेटी यहाँ पर मौजूद थी, उनसे भी हमने बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। हर साल यही कोशिश होती है कि बड़ा से बड़ा प्रोग्राम किया जाए ताकि लोगों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, यहाँ के युवाओं को बड़ा प्लेटफॉर्म मिले अपना टैलेंट बाहर निकालने के लिए। तो बस वही कोशिश में आज एक बड़ी ये प्रोग्रेस हुआ है। टूर्नामेंट में 16 टीम्स है टोटल, लास्ट टाइम 8 टीम थी, अभी बढ़ाकर 16 कर दिए। ये 2 दिन का प्रोग्राम है ओवरऑल और इसमें दोनों दिन मैच होगी सुबह से शाम तक। अर्शिया 11 ने जीता है तो अभी देखते हैं। काफी युवा जो है वो स्टेडियम को लेकर मांग कर रहे हैं, आप भी एक थोड़ा सा मतलब एक समाज सेवी के तौर पे यहाँ पे आती हैं, आप देखती हैं तो स्टेडियम को लेकर आप क्या कहेंगे? जो स्टेडियम की मांग हो रही है खेलने के लिए ग्राउंड नहीं लोगों को, ऐसे में आप क्या कहेंगे? स्टेडियम होना ही चाहिए। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोई भी, अभी स्पोर्ट्स इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का और युवाओं के लिए स्पेशली, क्योंकि मुंब्रा से भी स्पोर्ट्समैन निकलने चाहिए जो नेशनल पे खेले, इंटरनेशनल पे खेले और यहाँ पे पोटेंशियल भी है। लास्ट टाइम मैंने मैच देखा था, बहुत अच्छा खेला था इन लोगों ने, तो इसीलिए स्टेडियम होगा नहीं तब तक ये अपना टैलेंट नहीं कर पाएंगे शो और प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो स्टेडियम का होना काफी इम्पोर्टेंट है और ये मांग भी बहुत सही है उसके बारे में। मकसद एक ही था कि यहाँ के जो युवा है वो एंजॉय करे अपना खूबियां जो है उसको बाहर निकाल, उनको एक प्लेटफॉर्म देना था बेसिकली और कुछ। मैं अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और मुझे मेहमान के तौर पे बुलाया और बहुत खुशी हुई। मुंब्रा के अंदर ऐसे मैचेस होते हैं और मेरी तो दिली तमन्ना ये है कि ये ग्राउंड मुंब्रा के लिए ओपन किया जाए, मुंब्रा के बच्चों को खेलने का इसमें मौका दिया जाए, जो इसके चार्जेस है उसको कम किया जाए। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर चार्जेस खत्म किए जाए, क्योंकि कॉरपोरेशन का ग्राउंड है कोई प्राइवेट तो है नहीं, तो बच्चों के पास पैसे होते नहीं है और उन लोग आपस में चंदा करके खेलते हैं तो उन लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते ग्राउंड का पैसा देने के लिए। तो मेरी महानगर पालिका के अधिकारियों से और आयुक्त से ये निवेदन रहेगा कि मुंब्रा की तरफ ध्यान जाए और ध्यान दिया जाए और एक ग्राउंड को बच्चों के लिए, कोई बिजनेस तो है ही नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए फ्री ऑफ चार्ज किया जाए। है कुछ तकलीफें चल रही है कुछ लोगों के वजह से, पर वो नहीं है तो क्या हुआ, उनका काम यहाँ पे है, लोगों को दिख रहा है, उनके लिए हम सब है उनकी टीम, तो उनका होना ना होना तक है नहीं, उनका काम लोगों को दिख रहा है बस। देखिए मैच तो काफी होता है मुंब्रा में, लेकिन जो मुंब्रा के लोगों को, हमारी जो मैडम की एक सोच है कि यहाँ के लोकल प्लेयर ही सिर्फ खेले मैच में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैच बड़ा करा देना, बाहर से लोगों को बुला के खिला लेना,
वैसे तो काफी मैचेस होते हैं, इंडिया लेवल पे होते हैं, इंटरनेशनल नेशनल पूरे मैचेस होते हैं, लेकिन मुंब्रा में जो ये मैडम का मैच कराने का एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा मुंब्रा के बच्चे खेले और इसमें मैडम का जो भी ऑनर्स है और कैप्टन है उनको एकदम स्ट्रिक्टली ऑर्डर रहता है कि मुंब्रा के ही बच्चे ज्यादा से ज्यादा मुंब्रा के बच्चे खेले यहाँ पे। बिल्कुल राशि भी है, कप है, और मैं आपको बता दूं देखो कैसा है, राशि से राशि का बड़ा होना या राशि रखना मकसद मैम का नहीं है। मैम का मकसद है स्पोर्ट्स को आगे लाना और मुंब्रा को आगे लाना। वो बड़ा अगर जो स्पॉन्सरशिप लेके और फिर बाहर से लोगों को बुला के वो खिलाना जैसा होता है मुंब्रा में, तो वो चीज को नहीं करते। मैम ने एक चीज ये किया है कि मुंब्रा के ही बच्चों को आगे लाने के लिए ये बड़ा ये उठाया बीड़ा उठाया है और उसी की मेहनत वो कर रहे हैं, और बहुत खुशी की बात है कि इस सोच को लेके जो आगे चल रहे हैं वो, तो ये इससे शहर के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद चीज है कि शहर के लोकल प्लेयर ही सिर्फ खेलें।